और वर्ल्ड कप पर एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। शो का नाम है विश्व विजेता और मेरे साथ कपिल पाजी और अतुल वासन यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही संजय बांगर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और जीएस विवेक लखनऊ पहुंचे हुए हैं। संजय, इस वक्त एक सवाल आपसे यहाँ लेना चाहती हूँ कि लगातार टीम इंडिया ने 5 मैच भले ही जीत लिए हैं, आपने कॉमेंट्री भी की है इन पर, लेकिन कई बार क्या होता है कि जीत में हमें हमारी कमियां नजर नहीं आती। क्या कोई कमी दिख रही है? अभी तक तो ऐसी कोई खास कमी नजर नहीं आती है। यही है कि नंबर 4 पे जो बल्लेबाज है श्रेयस अय्यर, उनका अगर कंसिस्टेंटली रन बनते हैं तो वो टीम के लिए काफी बेहतर होगा। उसके अलावा देखिए नंबर 5 पे केएल राहुल विकेट कीपिंग और बैटिंग बढ़िया कर रहे हैं। नंबर 6 के ऊपर आप उम्मीद यही लगा सकते हैं कि हार्दिक पांड्या की वापसी होगी तो वो दोबारा से अच्छा संतुलन बन जाएगा, छठी गेंदबाजी का विकल्प बन जाएगा। और यदि नहीं हार्दिक पांड्या फिट होते हैं तो फिर उस कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है यही दो चीजें हैं जिसके ऊपर खास ध्यान रखना होगा भारतीय टीम को। पाजी, यही सवाल अगर आपसे लेना चाहूं कि अगर कमी के नजरिए से देखा जाए तो कोई क्या एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप चाहते हैं कि थोड़ी सी और मेहनत हो जाए ताकि अब जो रिवाइवल हो रहा है, हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया का, वो अगर हमें सामना करना पड़ा सेमीफाइनल में तो फिर टीम इंडिया उसके लिए पूरी तरह से तैयार होगी? बिल्कुल, नंबर 4-5 जो संजय ने बोला है बड़ी अच्छी बात बोली है। 5-6 का रन बनाने बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आप एक एक्स्ट्रा गेंदबाज के साथ जा सकते हो। अभी तक हमारे नंबर 1, 2, 3, 4 बैट्समैन बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, इवन के राहुल बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन उसके लिए अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा गेंदबाज आता है, अगर कुछ कहीं कोई बॉलर जैसे पिछले मैच में हार्दिक पांडे इंजर्ड हो गए थे तो दूसरा गेंदबाज आकर उसकी भरपाई कर सकता, अगर ये नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है। वरना अगर आप पूरे टूर्नामेंट में देखें कोई ऐसी कमी नहीं लग रही। और दूसरी एक बात थी जो विवेक कह रहा था कि शायद आज हार्दिक उसको बुमराह को रेस्ट दिया जाए, मैं नहीं चाहूँगा इस समय, बिल्कुल नहीं चाहूँगा, क्योंकि एक सिर्फ एक मैच हारने से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। इसके बाद अगर आप अगला मैच खेलेंगे तो मैं समझ सकता हूँ, छोटी टीम है वो भी, आजकल छोटी टीम नहीं रही, अगर उसके विरुद्ध अगर किसी और को ट्राई करना है तो करा सकते हैं, वरना इस मैच के लिए आप सबसे बेहतर टीम लेके जाएं। और ये कुछ ऐसा ही हुआ था 2019 के वर्ल्ड कप में भी, जब एक झटका लगा था और उसके बाद टीम का पूरा कॉन्फिडेंस तहस नहस हो गया था। लेकिन विवेक, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आई थी नेट सेशन से, उनके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।